सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. सो वी आर डिस्कसिंग मेटल लाइगेंड कॉम्प्लेक्सेस. फॉर एग्जांपल ये मेटल है आयरन और ये लाइगेंड है, और मेटल और लाइगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते. नाउ वी आर डिस्कसिंग कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. क्योंकि ये एक मेटल लाइगेंड कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स हम वन बाय वन इनको लेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल के कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड करता है. फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज, सेकेंड फैक्टर इज साइज, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सिमिलरली जो लाइगेंड होएगा उसके भी डिफरेंट फैक्टर्स आएंगे, जैसे कि साइज एंड चार्ज ऑफ द लाइगेंड, साइज एंड चार्ज ऑफ द लाइगेंड. देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स बेसिक करेक्टर. देन इफ इट इज अ कीलेटिंग लाइगेंड, यानी कि अगर एक रिंग स्ट्रक्चर बनती है तो कीलेट इफेक्ट है. कीलेट इफेक्ट है तो कितनी नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स कितनी बनती हैं, दो तीन चार, उनका साइज क्या होता है. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज फैक्टर्स अलॉन्ग विद स्टीरिक इफेक्ट. तो सबसे पहले हम डिटेल में लेते हैं अबाउट मेटल लाइन. तो जैसे हमने बात की कि मेटल लाइन में हम तीन फैक्टर्स को लेंगे. फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज, सेकेंड फैक्टर इज साइज, थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले इस मेटल लाइगेंड कॉम्प्लेक्स में मेटल के चार्ज का क्या रोल है. नाउ वी नो चार्ज का मतलब हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, लेट्स सी. एंड वी नो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट चार्ज डेंसिटी इज दैट इट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियस, कि मेटल के ऊपर कितना चार्ज है, टू पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव, और उसका कितना साइज है. अब मेटल की नेचर क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर देती है. फॉर एग्जांपल आयरन विल बी कन्वर्टेड इनटू आयरन टू पॉजिटिव और आयरन थ्री पॉजिटिव. तो जैसे जैसे हम मेटल में इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं, तो अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री आती है तो वी नो कि क्या होता जाता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होने से जो न्यूक्लियस की पावर होती है वो बढ़ती जाती है. न्यूक्लियस की पावर बढ़ने से जो न्यूक्लियस होता है वो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ टाइटली खींचता है. उससे क्या होता है कि साइज यानी कि रेडियस रिड्यूस होता है, कम होता है. नाउ जो स्टेबिलिटी है मेटल लाइगेंड कॉम्प्लेक्स की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी. जितनी मेटल लाइगेंड कॉम्प्लेक्स में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, और उतनी ही उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी. इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल इफ वी कंपेयर आयरन थ्री एंड आयरन टू, तो आयरन थ्री में क्या है, चार्ज ज्यादा है, रेडियस कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल गए. तो लॉग बीटा की वैल्यू देखो कितनी है, 31. टू पॉजिटिव की लॉग बीटा की वैल्यू कितनी है, 8.3. तो जितनी बीटा वैल्यू ज्यादा इसका मतलब उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा. सेकेंड फैक्टर हम बात करते हैं साइज का. तो साइज में हम दो तरह की सीरीज लेंगे, वन इज अल्केलाइन अर्थ मेटल, अदर इज ट्रांजिशन मेटल. और यहाँ पे हम एक और सीरीज की बात करेंगे, दैट इज आयरविंग विलियम्स सीरीज. सो इन अल्केलाइन अर्थ मेटल वी नो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, सबसे बड़ा साइज किसका है, बेरियम का. तो अगर हम इन सबका चार्ज सेम लेके, यानी कि सबके टू पॉजिटिव मेटल लाइन ले, ब्रिलियम टू पॉजिटिव, मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, अगर हम यहाँ पे चार्ज सेम लें तो यू नो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज क्या होएगा, इंक्रीज. तो अभी हमने देखा था कि जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज. अगर साइज बढ़ रहा है इसका मतलब चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि सी की वैल्यू तो सेम है, सारी की सारी क्या है, दे विल बी प्लस टू. तो क्या है इस केस में, बट वी विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज. इट मीन्स इफ वी कंपेयर ब्रिलियम टू पॉजिटिव विद बेरियम टू पॉजिटिव, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल मेटल लाइगेंड कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, बेरिलियम, बिकॉज ऑफ इट्स हायर चार्ज डेंसिटी. जैसे ये दिया हुआ है, बेरियम सबसे कम है, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. अच्छा, दूसरा फैक्टर है अगर हम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स को एंड ट्रांजिशन मेटल को मिक्स कर देते हैं. ठीक है, पहले हम सिंपल ट्रांजिशन मेटल को देख लेते हैं, जैसे हमने अल्केलाइन अर्थ मेटल्स को लिया. सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज क्या होता है, नॉर्मली डिक्रीज, राइट.
अगर साइज डिक्रीज होता है और अगर हम नॉर्मल ट्रेंड रहे तो चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। फॉर एग्जांपल अगर हम सेम टाइप का चार्ज ले, यानी कि स्कैंडियम भी टू पॉजिटिव है, टाइटेनियम भी टू पॉजिटिव है, वेनेडियम भी टू पॉजिटिव है, अगर इन सारी मेटल्स के ऊपर चार्ज सेम हो, राइट, एंड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा हो, तो क्या होना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ द कम्प्लेक्सेस शुड इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर आपने ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ा है अच्छे ध्यान से, यू नो कि यहाँ पे जो साइज का ट्रेंड वो इरेगुलर होता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट पहले रिड्यूस होता है, फिर सेंटर में आके कांस्टेंट हो जाता है, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज ये इंक्रीज हो जाता है। अब इन केसेस में हम कहते हैं कि आफ्टर मैग्नीज, यानी कि मैग्नीज के बाद ये जितनी भी मेटल्स हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, दे फॉर्म कम्प्लेक्सेस दैट आर हाईली स्टेबल, और इनकी स्टेबिलिटी इट इज फार मोर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। रीजन क्या है, यहाँ पे दो फैक्टर आएंगे। फर्स्ट फैक्टर इज ऑब्वियसली जो हम साइज की बात करते हैं, राइट, बट वी नो दैट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है, एट द एंड साइज इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम उसी साइज के ट्रेंड को अपने माइंड में रखें तो वट वी शुड एक्सपेक्ट, वी शुड एक्सपेक्ट कि बियॉन्ड मैग्नीज ये जो ट्रांजिशन मेटल हैं इनका जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इनके जो कम्प्लेक्सेस हैं मेटल लाइगेंड कम्प्लेक्सेस दे शुड बी लेस स्टेबल, बट एक्चुअली दे आर मोर स्टेबल बिकॉज यहाँ पे एक और फैक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट फैक्टर इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। सो वट वी कैन अज्यूम दैट आफ्टर मैग्नीज द स्टेबिलिटी ऑफ ए मेटल लाइगेंड कम्प्लेक्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट तीसरा फैक्टर था, दैट वाज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, तीन साइंटिस्ट थे, आयरलैंड, चैट एंड डेविस। ये जो तीन साइंटिस्ट थे इन्होंने अलग काफी सारे मेटल आयन लिए, उनके डिफरेंट डिफरेंट लाइगेंड के साथ कम्प्लेक्सेस बनाए और फिर उनको उन्होंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट इज क्लास ए मेटल आयन, सेकंड इज क्लास बी मेटल आयन और तीसरे हैं बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब क्या है, जो दोनों कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि क्लास ए मेटल आयन कौन है। क्लास ए मेटल आयन वो हैं जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल हैं। फॉर एग्जाम्पल पूरे पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स, अल्किलाइन अर्थ मेटल और कुछ इसमें आ जाते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तीन ट्रांजिशन मेटल। तो ये जो मेटल्स हैं दे फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्सेस विद लाइगेंड्स। कौन से लाइगेंड्स हैं, ये बहुत ही हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं तो लाइगेंड भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सेकेंड कैटेगरीज विच आर हैवी मेटल आयन, जैसे कि रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, लेड, राइट। और यहाँ पे जो लाइगेंड आएंगे वो बिल्कुल इनके कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, सल्फर, नाइट्रोजन है तो फास्फोरस, फ्लोरीन है तो ब्रोमीन। इवन जो पाई बॉन्डिंग लाइगेंड है वो भी स्टेबल कम्प्लेक्सेस किसके साथ बनाते हैं, विद क्लास बी मेटल आयन। नाउ व्हाट अबाउट बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन का मतलब वो लाइगेंड, वो मेटल आयन जो दोनों कैटेगरीज में आते हैं। दैट मीन्स जो मैग्नीज है ये कम्प्लेक्स बनाएगा, फ्लोरीन के साथ भी बना सकता है, ये आयोडीन के साथ भी बना सकता है। सो चार बेसिकली बॉर्डर लाइन केसेस यहाँ पे मैंशन है, मैग्नीज, टंगस्टन, थैलियम एंड लेड। सो दिस इज ऑल अबाउट कैटेगरी क्लास ए एंड क्लास बी। अब इसी को कॉन्टिन्यू करते हुए हम बात करेंगे कुछ पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी की। सो क्या होता है, जब भी मेटल लाइगेंड कम्प्लेक्स बनता है तो वी अज्यूम कि लाइगेंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव और मेटल आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको आप कंपेयर करोगे, एक टॉपिक हमने किया था फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट वॉज फजान्स रूल। तो अब यहाँ पे बेसिकली हम फजान्स रूल ही डिस्कस करने लगे हैं कि जो हमारे कम्प्लेक्सेस हैं
उनमें क्या होता है, आयनिक फोर्सेस के अलावा कोवलेंट फोर्सेस भी शुरू हो जाती है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनना भी शुरू हो जाता है, स्पेशली इन दोज केसेस जहाँ पे मेटल क्या है बहुत ही छोटी और लाइगेंड का साइज क्या है बहुत ही बड़ा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा है लाइगेंड और ये क्या है मेटल। तो स्टार्टिंग में इनके बीच में क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि इसके पॉजिटिव न्यूक्लियस ने लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इसकी होती है पोलराइजिंग पावर और लाइगेंड की होती है पोलराइजेबिलिटी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन का एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो जो मेटल लाइगेंड कम्प्लेक्स ओरिजिनली 100% आयनिक करैक्टर लेके बैठा था, उसमें कौन सा करैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, कोवलेंट करैक्टर, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें सिल्वर हैलाइड, जैसे सिल्वर आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, तो इनमें ये जो प्रोसेस है पोलराइजेशन का वो मैक्सिमम किस में होगा, सिल्वर आयोडाइड में, क्योंकि आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा और सिल्वर का बेसिकली तो कांस्टेंट है क्योंकि चारों में सिल्वर है। तो कोवलेंट करैक्टर किस में आ गया, सिल्वर आयोडाइड में। तो इन चारों कम्प्लेक्सेस में से सिल्वर, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन चारों कम्प्लेक्सेस में से सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल लाइगेंड कम्प्लेक्स किसका हुआ, सिल्वर आयोडाइड का। क्यों, क्योंकि इसमें आयनिक करैक्टर के अलावा एक एडिशनल फैक्टर आ रहा है, दैट इज कोवलेंट करैक्टर। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस कोवलेंट करैक्टर, इस कोवलेंट करैक्टर के कारण नंबर वन स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, नंबर टू सॉलिबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, पानी क्या होता है पोलर, और कोई भी आयनिक कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस वो क्या होता है पोलर, लेकिन जब उसमें कोवलेंट करैक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो पोलैरिटी खत्म होनी शुरू हो जाती है। सो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब अब वो चीज़ पोलर नहीं रही, अब वो नॉन पोलर होनी शुरू हो गई है। तो पानी क्या होता है पोलर, तो जो हमारा कंपाउंड है, इफ़ आई कंपेयर सिल्वर आयोडाइड विद सिल्वर फ्लोराइड, तो मैं कहूँगी 100% जो है हमारा आयनिक कंपाउंड कौन सा है, सिल्वर फ्लोराइड, इट विल बी हाईली सॉलेबल इन वाटर। लेकिन सिल्वर आयोडाइड में क्या आ जाता है, कोवलेंट करैक्टर, तो इसमें इसकी पानी में सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। सो दैट्स ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी, जिसमें मैंने अभी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है, आई हैव डिस्कस्ड ओनली अबाउट मेटल आयन। तो सबसे पहले मैंने चार्ज की बात की थी, फिर मैंने साइज की बात की थी, जिसमें हमने आयरविंग विलियम सीरीज पढ़ी है, जिसमें हमने अल्किन अनर्थ मेटल और ट्रांजिशन मेटल की बात की थी। तीसरा फैक्टर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।